जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TAN, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। तो ये कलेक्शन और डिडक्शन वाला ना जो अल्फ़ाबेट है वो गायब कर रखा है, सिर्फ टैन बना रखा है। अब ये किसको मिलता है नंबर? पैन तो मिलता है SSC को, और टैन किसको मिलता है? जैसे टैन मिलेगा हमारे कॉलेज को, कॉलेज जब मेरे अकाउंट से पैसे काटेगा ना, मेरी सैलरी से काटेगा टैक्स के जो सरकार को जमा करानी है, तो कॉलेज को एक नंबर प्रोवाइड करती है सरकार और उसका नाम होता है टैन। ठीक है, अगर कॉलेज के पास टैन नहीं है तो कॉलेज अप्लाई करेगा एक महीने के अंदर अंदर, मेरा टैक्स काटने के एक महीने के अंदर अंदर अप्लाई करेगा और उसको 49B में फॉर्म भरना पड़ेगा। ये है 49A और ये है 49B। ठीक है, और उसके बाद उसके पास वो नंबर आ जाएगा, उस नंबर को वो हर जगह इस्तेमाल करेगा, कॉलेज जहाँ पे भी टैक्स कलेक्ट टैक्स डिडक्शन की बारी आएगी ना वहाँ। अब आप कहोगे कि डिडक्शन में और कलेक्शन में फ़र्क क्या है? अब मैं बताती हूँ आपको। डिडक्शन का मतलब तो ये है कि इनकम देने से पहले उसमें से टैक्स काट लेना, दैट इज़ डिडक्शन। कलेक्शन का मतलब ये है कि जैसे आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आप उसमें से सेल्स टैक्स देते हो ना दुकानदार को, तो वो सेल्स टैक्स क्या है? कलेक्ट किया, उसने आपको कोई इनकम नहीं दी है, उसने आपको चीज़ का रेट आपसे लिया है और उसमें टैक्स भी लिया है। मान लो 10 रुपये की चीज़ के 12 लिए हैं तो 10 रुपये जेब में रखेगा, 2 रुपये सरकार को देगा, तो ये 2 रुपये उसने आपसे कलेक्ट किए हैं। और यहाँ पर अगर वो मुझे 10 रुपये की सैलरी देता है ना, तो 2 रुपये काट लेता है, मुझे देता है 8 रुपये और 2 रुपये सरकार को देता है। अब समझ में आया? तो डिडक्शन में और कलेक्शन में ये फ़र्क है, और दोनों को नंबर दिया जाता है टैन, और वो दोनों को अपने हर कॉरेस्पॉन्डेंस पर, हर लेटर पर, हर चीज़ पर लिखना ज़रूरी होता है। तो ये हमारा था टैन। तो आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही है। हमने आज क्या क्या किया है एक बार फिर से देखें शुरू से। मैंने ना आपको पेजेस थोड़े ज़्यादा इसलिए भेजे क्योंकि बीच बीच में कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो एक दूसरे पेज पे जा रहे थे ना, इसलिए मुझे आपको फ़ोटो भेजनी पड़ी। बाकी के जो रह गए होंगे वो मैं कल करूँगी। तो आज हमने किया है ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम दोनों का डिफरेंस, फिर उसके बाद ये अभी हमने छोड़ा है, फिर हम चलते हैं आगे, फिर मैंने पर्सन करवाया है, फिर मैंने SSC करवाया है, फिर आगे ये दबी दोनों छोड़ दिए हैं, उसके बाद आ गए थे फिर हम यहाँ पे, एक सेकेंड कहाँ पे आ गए थे, हाँ उसके बाद हम आ गए हैं पैन पे और टैन पे। तो ये टॉपिक्स आज आपके हो गए हैं, इनको अच्छे से कर लेना और शाम तक मुझे रिपोर्ट कर लीजिएगा। ठीक है।